जैसे ही आप एंटर होते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती है भाई पूल टेबल, बहुत बढ़िया है, सारे लोग बढ़िया है। जो स्ट्रक्चर डिजाइन है वो कम्प्लीटली वुडन पे डिजाइन है। टेबल टेबल टेनिस रेस्टोरेंट है वो आपको दिख। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होगे जैसे भी होगे भाई बहुत मज़े में होगे। तो भाई हम झांसी से 500 किलोमीटर ट्रैवल करके भाई आ गए मनाली में, और आज हम आपको एक्सप्लोर कराने वाले हैं मनाली की बहुत ही शानदार बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी जो कि है होटल डी शैलेट, जो कि बहुत ही प्यारी लोकेशन पर बनी हुई है, माल रोड से बहुत ही करीब है, जो कि है क्लब रोड पर ओल्ड मनाली में। और आज हम भाई इसकी एक एक डिटेल आपको एक्सप्लोर कराने वाले, क्या टैरिफ है, कैसा रूम का डिज़ाइन है। तो चलिए अंदर चलते हैं और प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कराते हैं आपको। यहाँ पर ये एज अ मैनेजर हमारे यहाँ पर राज जो आपको रिसेप्शन में मिल जाएंगे और सारी आपकी क्वेरीज बहुत ही आसानी से क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम एंटर हुए, ये है भाई इसका रिसेप्शन एरिया, रिसेप्शन डेस्क, और ये आप यहाँ पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली वुडन पे डिज़ाइन है। और जो कि इस होटल का नाम है वो है होटल डी शैलेट। शैलेट का मतलब होता है भाई कोई भी चीज़ बनी हुई कम्प्लीटली वुडन पे बनी हुई। तो एक बार ये मेरे साथ आइए और यहाँ पर देखिए भाई, सबसे पहले तो जो लॉबी का जो रिसेप्शन का जो नाम होता है ना वो उसका जो काम होता है भाई कि जब आपका गेस्ट आता है तो उसको अट्रैक्ट करता है, तो उसी तरह से इस लॉबी को बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। आप बाहर से देख सकते हैं कि ये सिटिंग स्पेस के साथ साथ बाहर का व्यू भी दिया गया, और यहाँ आप देख सकते हैं ये कुछ कंपनी की आपके टूर्स एंड ट्रैवल्स की कुछ डिटेल दिए जो कि इनकी खुद की कंपनी है नॉर्थन फेस, उसके बारे में भी हम आपको एट द एंड बताएंगे कि आपको वो किस तरह से बाइक बुक कराती है या किस तरह से आपको कोई ट्रैवल यानी कहीं आपको आसपास जाना है तो कार वगैरह कैसे बुक कराती है। तो अभी हमने आपको ये दिखाया इनका रिसेप्शन एरिया, एक बार ही आप इनके शॉट इन्जॉय करिए, फिर उसके बाद आपको हम इनके गेम जोन में लेके चलते हैं। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस प्रॉपर्टी का, गेम जोन, जो कि यहाँ का अलग माहौल बना देता है। तो चलिए आपको वो एक्सप्लोर कराते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती है भाई पूल टेबल, जो कि भाई इस गेम जोन को चांद लगा देती है एकदम। और वहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कुछ यहाँ के गेस्ट हैं जो वो टेबल टेनिस यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। पहले तो भाई आपका शुभ नाम क्या है? श्रेयस। श्रेयस, तो आप होटल डी शैलेट में कब से स्टे कर रहे हैं, मतलब कब आए, अभी आपने कब चेक इन करा हुआ? हमने कल चेक इन करा हुआ है। आपने कैसा एक्सपीरियंस है होटल डी शैलेट में आपका? बहुत बढ़िया है, सारे रूम्स बढ़िया है, और हम तो तब से गेम जोन में एंजॉय कर रहे हैं। क्या बात है, मतलब देख रहे हो ना भाई, मनाली घूमने नहीं निकल रहे हैं, यहाँ पर गेम जोन में एंजॉय कर रहे हैं, तो ये बढ़िया। थैंक यू भाई अपना टाइम देने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि होटल डी शैलेट में यहाँ पर जैसे ही आप रिसेप्शन एरिया में एंटर हुए आपको यहाँ पर मिल गया गेम जोन, पूल टेबल, टेबल टेनिस, और यहाँ पर आपका बोन फायर का भी अरेंजमेंट है यहाँ पर, साथ साथ आपका यहाँ पर भाई म्यूज़िक का भी अरेंजमेंट है जो कि हमने कॉपीराइट की वजह से बंद करा दिया भाई। तो अब हम चलते हैं, आपको अपना रूम दिखाते हैं, आप कुछ गेम जोन के शॉट इन्जॉय करिए, फिर उसके बाद आपको हमने जो रूम में चेक इन करा हुआ है वो दिखाते हैं आपको। तो आइए अब हम आपको अपना रूम दिखाते हैं। तो ये यहाँ पर जो आप गैलरी देख रहे हैं बहुत ही डिसेंट है, और यहाँ पर भाई बना हुआ एक कॉमन वॉशरूम जिसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और अब हम आपको अपना रूम दिखाते हैं। तो भाई हम जैसे ही यहाँ पर रूम में सबसे पहले एंटर होते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक बेडरूम पहले हमारे लिए, और हम लोग चूँकि चार लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर डबल बेडरूम है। ये पहले बेडरूम में एंटर हुए, आप स्पेशियस देखिए कितना है, और जैसे ही हम एंटर हुए हमें यहाँ पर सिटिंग स्पेस में यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर सोफे को रखा गया और सोफे को सजाया गया है भाई। और उसके साथ साथ हमको इस पहले बेडरूम में मिल जाती है भाई बालकनी, जो कि इस रूम की खूबसूरती को, इस रूम की वाइब को इन्हेंस कर देती है। ये है हमारे इस होटल डी शैलेट की बालकनी जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ से आप होटल के बाहर के नज़ारे इन्जॉय कर सकते हैं, और अपनी यहाँ पर बैठ के फूड इन्जॉय कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत है। अब आपको रूम के थोड़े से फीचर्स बताते हैं। जो रूम पूरा जो डिज़ाइन है वो वुडन पे डिज़ाइन है, क्योंकि आपने रिसेप्शन एरिया देखा था वो कम्प्लीटली वुडन पे डिज़ाइन था, और ये रूम है वो भी कम्प्लीटली वुडन पे डिज़ाइन है। और आपका बेड का साइज़ देखिए, जो किंग बेड साइज़ होता है वो यहाँ पर है, बहुत अच्छी मैट्रेस का यूज़ करा गया है यहाँ पर, और आप बेड का जो
जो वुडन का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही मतलब एकदम जो रॉयल वाइब होती है उसको पूरा एकदम यहाँ पर फील दे रहा है। एक बढ़िया सा बड़ा सा मिरर है जहाँ पर आप तैयार हो सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाती है विंडो जहाँ पर बढ़िया सा खूबसूरत सा आपको व्यू है जो कि अभी रात के टाइम नहीं दिख रहा है, और उसके साथ साथ आपको यहाँ से भी भाई विंडो का व्यू मिल जाता है। तो ये रूम जो एंट्रेंस का रूम है उसमें चारों तरफ से बहुत ही खूबसूरत से व्यू है, बालकनी भी मिल गई आपको। तो चलिए अब आपको इसके दूसरे बेडरूम में लेके चलते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए ये जो डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पर हमको एक छोटी सी टेबल मिली थी, यहाँ पर हमको एक बढ़िया से एक बड़ी सी अलमीरा मिली हुई है जिसमें आप प्रॉपर तरीके से अपना पूरा लगेज रख सकते हो। और यहाँ पर ये हैंडल्स वगैरह देखिए बड़े मतलब लग्जरी से लग रहे हैं, बड़े रॉयल वाला जो टच होता है ना वो दे रहे हैं। लाइटिंग प्रॉपर है, यहाँ पर बेड का जो साइज़ है वो बहुत ही प्रॉपर है। और उसके साथ साथ हमको इस सेकंड रूम में यहाँ पर हमको मिल गया वॉशरूम वगैरह। और यहाँ पर हमारे दूसरे रूम में भी भाई विंडो से हमको यहाँ पर व्यू मिल जाता है जो कि आप आराम से भाई अपने यहाँ से बैठ के अपना जो भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ये हमारा भाई रूम है जिसके टैरिफ की डिटेल्स, और यहाँ पर और भी कैटेगरीज हैं, अगर आप उनके टैरिफ की डिटेल्स जानना चाहते तो इन गिवन कॉन्टेक्ट्स पे आप कॉल कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और आइए आपको वॉशरूम भी दिखाते हैं, इसका क्लीनिनेस दिखाते हैं। होटल डी शैलेट के जो वॉशरूम है वो और होटल के कंपैरिजन है बहुत बड़े हैं। इन्होंने जो कॉमन वॉशरूम है इनका या आपके रूम से जो अटैच वॉशरूम है बहुत ज़्यादा स्पेशियस बनाए हुए जो कि एक मुझे बहुत ही प्लस पॉइंट लगा। और होटलों में आपको देखते हैं कि छोटे छोटे वॉशरूम मिलते हैं प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने आपको होटल डी शैलेट का भाई रिसेप्शन एरिया दिखाया, गेम जोन दिखाया, अब हम आपको लेकर चलते हैं इसके रेस्टोरेंट एरिया में। तो आइए, तो अब हम आ गए हैं भाई होटल डी शैलेट के रेस्टोरेंट एरिया की तरफ। और उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी कंपनी है जो आपको बाइक अरेंज कराती है, अगर आपको कहीं कार बुक करना है तो कार बुक कराती है, और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं मनाली में आसपास आपको वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराती है, जिसका नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अपनी आप बुकिंग के बाद उनसे आप किसी भी तरह की सर्विसेज के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम रेस्टोरेंट एरिया में चलते हैं। और यहाँ पर भाई आपको जब रेस्टोरेंट एंटर होता है उससे पहले आपको बाहर भी सिटिंग स्पेस दिया गया। तो अब हम आ गए होटल डी शैलेट के रेस्टोरेंट एरिया में। और यहाँ पर देखिए वो पुराने ज़माने में जो लाइट वगैरह यूज़ करती हैं उनसे इसको लाइट को डेकोरेट करा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बुफे भी लगा हुआ है जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ गेस्ट कितने होटल में है आपके। ब्रेकफास्ट तो ऑब्वियसली यहाँ पर सर्व होता ही है बुफे में। तो यहाँ पर ये टेबल है, सिटिंग स्पेस है। तो चलिए हम अपना फूड ऑर्डर करते हैं, फूड इंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में जो भी कुछ बचा हुआ है। तो गाइज हमने आपको होटल डी शैलेट का रिसेप्शन एरिया, इनका जो रेस्टोरेंट है वो आपको दिखाया, इनका जो गेम जोन है वो दिखाया, और ये हमारा जो रूम है इसका पूरा दिखाया। अगर आप टैरिफ के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, आप इस पर पता कर सकते हैं। अगर आप कुछ आगे कहीं जाना चाहते हैं, कार वगैरह बुक करना चाहते हैं या कोई और टूर बुक करना चाहते हैं, तो उनकी नॉर्थन फेस एडवेंचर कंपनी का यहाँ पर मैं डिटेल मेंशन कर रहा हूँ। हमने यहाँ पर अपना फूड ऑर्डर कर लिया जिसमें हमारे यहाँ पर चिली पनीर है, पनीर दो प्याज़ा और बहुत सारी चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग देखकर ज़रूर मज़ा आया होगा, और इसमें सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो आपको मिल गई होंगी। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, बहुत ही जल्दी तगड़े ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा यार।